जिस ऊर्जा पर आपकी गाड़ियां चल रही हैं, जिस ऊर्जा पर आपके घरों में रोटियां पक रही हैं, उसकी जिम्मेदारी कुछ ऐसे लोगों पर है जो आज भी काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक उत्ती भट्टाचार्य जी से कि किस तरह जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें किस तरह काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके जरिए ये कहना चाहता हूँ कि पूरी ऑयल कंपनी, स्पेसिफिकली इंडियन ऑयल, इस लॉकडाउन के समय पर भी पूरी तरह काम में जुड़े हुए हैं। हमारे हर टर्मिनल, डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सब खुले हुए हैं और हमारे सब कर्मचारी, खाली उनके साथ नहीं, आपको बोलने से आप ताज्जुब हो जाएंगे, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ड्राइवर्स सब एक साथ में कंधे से कंधे मिलाकर काम इसलिए कर रहे हैं कि हम एनर्जी, ये एलपीजी, पेट्रोल, डीजल सब ग्राहकों तक हम पहुंचा सकें। अभी ये लॉकडाउन में सबसे बड़ी जरूरी चीज़ होता है एलपीजी, वो नहीं होगा तो बहुत तकलीफ होगा घरों में। इसलिए हमारे हर बॉटलिंग प्लांट, यहाँ पे करीब 26 बॉटलिंग प्लांट है टोटल उत्तर प्रदेश में, हर बॉटलिंग प्लांट खुले हुए हैं। हमारे सब कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ खाली दिन में नहीं, रात में भी काम कर रहे हैं, छुट्टी का दिन, आज भी काम कर रहे हैं लोग छुट्टी का दिन में। ऐसे तरीके से हम लोग कोशिश, नॉट ओनली हमारा बॉटलिंग प्लांट एंड टर्मिनल डिपो, हर डिस्ट्रीब्यूटरशिप खुला हुआ है, उनके हर डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं, रिटेल आउटलेट में हर कस्टमर अटेंडेंट काम कर रहा है। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ मतलब समय के पाबंदी लगा दिए गए हैं, मगर फिर भी काम सभी कर रहे हैं और डिलीवरी बॉय घर तक पहुँच रहे हैं, जाके सबको डिलीवरी करके आ रहे हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक, उनको किस तरह सरकार ने कुछ कहा है कि कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, तो उनको कैसे आप टैकल कर पा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी, ये दोनों के खूब करीब के चीज़ है और हर ऑयल कंपनी, स्पेसिफिकली इंडियन ऑयल, हम लोग हमारे चेयरमैन श्री संजीव सिंह साहब के तत्वावधान में हम लोग ये देखते हैं कि हर उजाला बेनिफिशियरी का घर में एलपीजी पहुंचे। अभी का समय देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हर पीएमयूआई बेनिफिशियरी का अकाउंट में, उनकी जो बैंक अकाउंट हमारे साथ जुड़े हुए, आधार के साथ जुड़े हुए हैं, हर बैंक अकाउंट में एक सिलेंडर की पैसा पहले से ही भेज दिया गया है और ये पैसा से हम, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और डिलीवरी बॉय जाके उनको फ्री में रिफिल देंगे। वो पैसा हम वहाँ से उनको उठा के हमको दे दिया जाएगा और हम उनको फ्री रिफिल देंगे और ये हम बहुमुखी से निभा रहे हैं। जानिए कि टोटल उत्तर प्रदेश में टोटल 145 लाख ऐसी पीएमयू बेनिफिशियरी है, उन सभी का घरों में हम पहुँचाएंगे और सबको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई घर से बाहर ना आए, हम घर तक पहुँच के देंगे। बिल्कुल, सामाजिक क्षेत्रों में क्या जिम्मेदारियां हैं इंडियन ऑयल की, उसमें क्या काम किया जा रहा है? देखिए, हम ऐसी एक कंपनी हैं जो बनी हुई है जनता के लिए। आपको जानकर देते हुए बहुत खुशी होती है कि हम लोग हमारे दो दिन के वेतन प्रधानमंत्री केयर फंड में दे चुके हैं। पूरी ऑयल कंपनी से करीब 225 करोड़, इंडियन ऑयल बोली जाती 24 करोड़, इसके अलावा ऑयल कंपनी सब मिलके 1031 करोड़ दिए हैं। ये हो गया पूरी, अगर हमारी इंडियन ऑयल की बात कही, पूरी ऑयल कंपनी की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हमारे जितनी नेटवर्क हैं माने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे डीलर्स हैं, हमारे इवन कस्टमर अटेंडेंट, डिलीवरी बॉयज हैं, हमारे खुद एम्प्लॉय हैं, सब मिलके हम लोग करीब 50 लाख दिए हैं ये प्रधानमंत्री केयर फंड में, करीब 26 लाख दिया गया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का फंड में। इसके अलावा जो जो हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं सबको हम लोग खाना दे रहे हैं, करीब 3 लाख के ऊपर फूड पैकेट दे चुका है हम लोग। जब भी ये माइग्रेंट लेबर वगैरह का कुछ आए थे, सबको हमने खाना खिलाया, जो जो हमारे रिटेल आउटलेट के पास से जाते थे। अभी जो जो डिलीवरी बॉय, जो भी कस्टमर अटेंडेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो भी ड्राइवर हमारे साथ काम कर रहे हैं, सबको खाना दिया जा रहा है। सबको हमने मास्क दिए, सैनिटाइजर दिए, करीब करीब बोल सकते हैं कि ये जो सैनिटाइजेशन का जो किट होता है सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि एक बार देके हम लोग भूल गए,
ख्याल ये रखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा कोई सामान यूज ना करे जिसके ऊपर उनका शरीर के ऊपर उनका एंटायर काम के ऊपर कोई असर आए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ करीब करीब अभी जो जितनी आदमी जुड़े हुए हैं कोई भी कोई कारण से बीमार ना पड़े। मगर इसके अलावा भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। ये डिक्लेयर किया गया है कि हर कस्टमर अटेंडेंट, डिलीवरी बॉय जो हमारे ड्राइवर भाई है या हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं, अगर ये COVID-19 के तहत कुछ हो जाता है तो उनको 5 लाख रुपया का एक्सक्रेशिया उनके लिए है। ये भारत सरकार ने किया है, बहुत बड़ी काम माननीय प्रधानमंत्री जी के। और ये देखते हुए हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका और इनके फैमिली और 2 बच्चे 25 साल के नीचे, हम लोग ग्रुप इंश्योरेंस कराए हैं जिसमें 1 लाख रुपया का COVID-19 के लिए हॉस्पिटलाइजेशन पूरी खर्चा मिलेगा। हम चाहते हैं कि सब सुस्त रहे, मगर कभी अगर कुछ हो जाता है तब ये राशि उनका बहुत काम पे आएगा। तो ये नहीं कि खाली हम सैनिटाइजेशन के लिए सब कुछ दे रहे हैं, सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हम सबको ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हम सबको ये बोल रहा है कि आप ये जो प्रोटोकॉल है हाइजीन का वो मेंटेन करके चलिए, पर साथों साथ ये एक्सग्रेशिया और जो इंश्योरेंस लिया गया है ये भी उनका मनोबल को काफ़ी ऊंचा कर दिया है। जो हॉट स्पॉट के क्षेत्र में है, एजेंसी या पेट्रोल पंप, उनको क्या निर्देश दिए गए? देखिए, LPG तो बंद नहीं हो सकती है, तो LPG हमारे जितने डिलीवरी बॉय हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे सेल्स फोर्स है, सब वो जगह पे प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम लोग वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। हो सकता है कोई कोई जगह पे कोई ज़रूरत पड़े तो, अगर उतनी रिटेल आउटलेट का ज़रूरत नहीं है तो बंद किया गया है, बट वो भी बहुत कम है, 8,000 रिटेल आउटलेट है। एंड मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि सभी मोरलेस खुले हुए हैं और सभी में आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा जो भी दरकार पड़े। अभी देखिए, कृषि क्षेत्र का काम चालू हुआ है, माइनिंग का काम चालू हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हम आने देंगे। सबको मेरे ये विनती है कि पैसा सरकार ने ऑलरेडी आपके खाते में जमा किए हैं, वो पैसे से सबसे पहले काम होगा आप LPG बुकिंग कीजिए। बुकिंग आपका जो सेल फोन नंबर हमारे साथ दिया हुआ है वो सेल फोन नंबर से ही आप बुकिंग कीजिए। आप बुकिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यस, आपका उधर में पैसा ऑलरेडी आ चुका है, आप ये LPG लेना चाहते हैं। हम तुरंत वहाँ पे हमारे डिलीवरी बॉय को भेजेंगे और आपको एक फ्री सिलेंडर रिफिल दे के आएंगे। ये पैसा आप रेडी रखिएगा, सबको खाली ये हमारे अनुरोध है, पहला बुकिंग, दूसरा जब डिलीवरी बॉय जाएंगे बुकिंग करने का बाद आप ये पैसा और एक खाली सिलेंडर जरूर घर में रेडी रखिएगा। सो दैट डिलीवरी बॉय, वो भी देखिए हमारे सभी का फैमिली से है, तो ये जल्दी जल्दी जाके जितना जितना